हे फ्रेंड्स, वो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आप लोग घर पे हो और काफ़ी मजे में हो और एकदम मजे में हो गए, ठीक है। तो गाइस आज मेरे पास है, ये देखो यहाँ पे आज मेरे पास है फॉर्च्यूनर, ठीक है। और आज मैं आया हूँ इधर इसकी फॉर्च्यूनर की अपलोडिंग करने के लिए, ठीक है। और ये जो एरिया है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एरिया है। इसे कहते हैं हॉन्टेड एरिया, ठीक है। हॉन्टेड प्लेस समझ लो ना, हॉन्टेड प्लेस मतलब भूतों का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस रात को मैंने सुना है भूत भूत आते हैं। तो आज मैं इधर अपलोडिंग के लिए आया हूँ और देखने वाले हैं ये जो अपनी फॉर्च्यूनर है अपलोडिंग कैसी कर पाते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो फॉर्च्यूनर है ये 4x4 है, ठीक है। बट ये जो 4x4 है ये काफी अच्छी ऑफ रोडिंग करती है। बट एक दिक्कत है, जब ये हॉन्टेड प्लेस पे जाएगी तो क्या पता इसमें क्या दिक्कत आए, कुछ आए, वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसकी हम साथ में साथ ऑफरोडिंग भी कर लेंगे। और ये मेरी नई गाड़ी है, ठीक है। मैं नई गाड़ी से मैंने खरीदी है तो मैंने सोचा इसकी ऑफरोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज अब इसकी हम यही ऑफरोडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक ऑफरोडिंग है, काफ़ी खतरनाक गुफाएं वगैरह, काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी काफ़ी समझ लो ना, समझ जाओ बस। देखो पहले ये देखो, ये देखो भाई साहब, ये देखो। और अभी यहाँ पे कोई नॉर्मल गाड़ी होती है ना भाई, वो नीचे जाती है। और ये देखो कितनी गहरी खाई है, बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक गाइस ये देखो भाई, ओ भाई ये कैसे हो गया, अपनी 4x4 पे गाइस मैंने गाड़ी लगा रखी है बट चढ़ क्यों नहीं पा रही, चढ़ गई। तो गाइस आगे देखिए क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ हॉन्टेड मिलता भी है या कुछ मिलता है। क्योंकि इस एरिया पे गाइस आपको एक बंदा भी नहीं दिखेगा, ठीक है, एक बंदा भी नहीं। तो अभी तो गाइस यहाँ पे देखो यार, पहाड़ पहाड़ देखो कैसे है भाई साहब, ये देखो क्या पहाड़ है। अगर यहाँ से कोई बंदा अगर गिरा तो गाइस आप समझ रहे हो ना क्या होगा उसके साथ। अगर मेरी गलती से ये मेरी गाड़ी यहाँ से खिसक गई, थोड़ी सी इधर उधर हो गई, तो देख रहे हो ना, क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर आ रखा हूँ। एक बार मैं आपको गाड़ी लगा के दिखाता हूँ ना, यहीं पर मैंने गाड़ी पार्क करी है। और ये देखो अभी मैं काफ़ी ऊपर हूँ, ठीक है। और पहाड़ देखो भाई सामने से कैसे नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं पूरा हॉन्टेड प्लेस पे हूँ। बट ये क्या चीज़ है गाइज, मेरे को पीछे देख रहे हो आप पीछे, ये क्या चीज़ है पता नहीं क्या चीज़ है भाई। इसे हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि गाइज कुछ भी अगर मैं रिक्स लेता हूँ तो भाई काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। तो मैं रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। तो आगे की तरफ चलते हैं। और ऑफरोडिंग जो है हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बट गाइज एक मेरे को ये नहीं पता लगा, जब यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता तो यहाँ पर ये सड़क किस लिए बनाई गई है। और भाई वो गाइस नीचे इधर चलते हैं गाइस, ऑफरोडिंग जो होगी ना वो अपनी इधर होगी, ठीक है। आगे तो गाइस सिंपल एक रास्ता लग रहा है बट जो ऑफरोडिंग का एरिया है वो इधर है। बट नीचे जाना सही रहेगा या नहीं, चलो अब ये क्या था गाइस पीछे देखा आपने, देखते हैं नीचे। तो भाई मैंने गाड़ी ले लिया और अरे नहीं ये क्या हो रहा गाइस, शिट 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 शिट, अपनी गाड़ी पे गाइस पत्थर पत्थर गिर रहे हैं। और ये पत्थर अचानक से गिरे कैसे मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो अभी अपनी गाड़ी भाई वहाँ से निकल गई है और मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि गाइज अभी मैं अपने एरिया से, ठीक है, जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ से मैं काफ़ी दूर आ रखा हूँ, ठीक है, काफ़ी दूर समझ रहे हो ना। और मेरी गाड़ी भाई पूरी टूट रही है और गलती से अगर ये गाड़ी गाइज टूट गई ना तो ओ शिट ये क्या चीज़ है भाई। यहाँ पर देखो गाइज एक चीज़ मिली, यहाँ पर एक मुझे गाड़ी मिली है और एक गुफा भी मिली है साथ में साथ, ठीक है। अपनी गाड़ी तो थोड़ी बहुत टूट गई है फॉर्च्यूनर, चलो वो तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे एक गाड़ी मिली है जो कि जलाई गई है, देखो पूरी जलाई गई है ये गाड़ी। और यहाँ पे एक गुफा है, इस गुफा के अंदर मैं जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस गुफा के अंदर हम नहीं जाएंगे। बट ये देख रहे हो भाई कैसी जगह है, ऊपर देखो मेरे ऊपर इतनी सारी चीलें हैं भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस, ठीक है। तो अभी मेरे को निकलना होगा जल्दी से जल्दी और मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ठीक है। गाइस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी बट हुई। बट इसके जो टायर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप खा रहे हैं, देखो मैंने पूरी स्पीड दे रखी है भाई, पूरी स्पीड दे रखी है, मानो ना मानो निकल जा भाई, गलत जगह आ गए गाइस। ऐसा ना हो कहीं इस गाड़ी की तरह हमारी गाड़ी में भी आग वाग लग जाए, कुछ हो जाए। तो देखते हैं क्या होएगा, अभी तो गाइस निकल नहीं पा रही, मैंने 4x4 पे लगा रखी है वो भी फॉर्च्यूनर और निकल नहीं पा रही भाई साहब, ये तो क्या हो रहा है, अब क्या करना पड़ेगा। निकल गई भाई निकल गई, अब यहाँ से गाइज मेरे को जल्दी निकलना होगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को सही वाइब्स नहीं आ रही, ठीक है, थोड़ी हॉन्टेड प्लेस जैसा मेरे को लग रहा है। अपनी ऑफ रोडिंग जो ये ना गाइज काफ़ी गदर ऑफ रोडिंग हुई है, ये आपको भी पता चला, ठीक है। और ये एरिया भाई काफ़ी खतरनाक है, वैसे यहाँ पे गाइज जो गुंडे वगैरह होते हैं ना वो भी नहीं आते इस जगह पर क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। बट मैंने रिक्स लिया आप लोगों के लिए लिया क्योंकि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आए, ठीक है, मज़ा आना चाहिए बस यार, आप लोगों को मजा आना चाहिए, ठीक है, अप उनका क्या है, ठीक है, आप लोगों को मजा आना चाहिए, हम तो किधर भी चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्च्यूनर है भाई, इसने जो ऑफरोडिंग दी है ना काफ़ी गदर दी है। मैं गाड़ी गाइस, ओ वन सेकंड, यहाँ पे देखो एक गाड़ी मिली है मेरे को, शायद यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह आई होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर आ चुका हूँ ना हॉन्टेड प्लेस से। और यहाँ के पेड़ देखो,
और गाइस ये जो मैं ये है ना फॉर्चुनर इसलिए लेके आया था क्योंकि ये काफ़ी तगड़ी गाड़ी है और ये 4x4 है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये हमें निकाल लेगी। ओ गाइस ये देखो भाई शेर नहीं चीता, सॉरी चीता गाइस, ये देखो चीता सरेआम घूम रहा है भाई, ये देखो सरेआम घूम रहा है यहाँ पे। और अगर कोई बंदा अगर मैं भाई गाड़ी से उतरा तो ये तो मेरे को खा जाएगा भाई साहब, ये तो काफ़ी खतरनाक प्लेस है। और वो गाड़ी किस लिए खड़ी थी मेरे को नहीं पता गाइस, ठीक है, और मुझे जानना भी नहीं उसके लिए गाइस। मैं सुबह को तो रिक्स लेके इधर आ गया, बट रात को मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा भाई इधर, क्योंकि समझ रहे हो ना रात को क्या तगड़ा होगा। अगर आपने कमेंट करा भाई, ठीक है, अगर आप लोगों ने कमेंट करा कि रात को जाओ तो गाइस तुम्हारे लिए मैं रात को जाऊंगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो अगर आपको ये प्लेस रात को देखना है कैसा लगता है और मैं कौन सी गाड़ी से आऊँ, फॉर्चुनर से आऊँ या कौन सी गाड़ी से, तो आप कमेंट करो, मैं वही चीज़ करूँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भाई साहब ये देखो काफ़ी ख़तरनाक ऑफरोडिंग हुई है भाई, ऑफरोडिंग काफ़ी खतरनाक हुई है कुछ भी कहो। और वन सेकंड, और नहीं नहीं गाइज ये क्या हुआ भाई, पानी में आ गए हम तो गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये अपनी फॉर्च्यूनर है ना, ये पानी में भी काफ़ी अच्छी तरह से चलती है। अरे अरे नहीं यार ये क्या हो रहा है गाइज, नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है, देखो पानी के ऊपर मेरी गाड़ी टक गई है, अब कैसे निकलेगी। चलो छोड़ो ये तो बाद में, अब मैं क्रेन से ही निकलवाऊंगा क्योंकि अरे पानी की लहर काफ़ी तेज़ है गाइस, काफ़ी मैं डूब के जा रहा हूँ भाई, बचाओ मुझे यार, मैं डूब के हुए जा रहा हूँ, बहुत तेज़ है भाई पानी की जो लहरें हैं ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। तो भाई निकल गए भाई, अब गाइस मैं यहाँ पे क्रेन बुलाऊंगा, जल्दी से अपने फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, किसी बंदे को माइकल को कॉल लगाता हूँ और बोलता हूँ भाई क्रेन लेके आ, मेरे साथ ऐसा सीन हो गया है क्योंकि अब मैं हॉन्टेड प्लेस से गाइस बहुत आगे आ चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। एक गाड़ी यहाँ पे वैन खड़ी हुई है, तो पता नहीं वो बंदे किस लिए आया होगा वैन लेके, समझ रहे हो ना आप, समझ गए होगे क्या पता, ठीक है। तो गाइज अब आप कमेंट करो, जो आप कमेंट करोगे मैं रात में इधर आऊँ या नहीं आऊँ ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो आप कमेंट करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट करो, मैं जरूर आऊँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।